सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रतुंड महाकाय सूर्यकोटे समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व सप्त श्लोकी दुर्गा शिवावाच। देवी तं भक्तसुलभे सर्वकार्यभिधायिने कलहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वैः साधनम् मया तवैव सेहेन प्यम्बा सुधिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुव छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा वेत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गापाठे वियोगः। ॐ ज्ञानी नाम विजता देवी भगवती सा वरदा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छते। दुर्गे स्मृता हर्षभिर्मशजन्तो स्वस्य स्मृता मतिमते वशुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखपरहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यास्ति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वयवस्त्रायिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगाणशेषा नपहासु दुष्टा पृष्टादुकामान् सकलानभीषान् त्वामाश्रिताणां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमन त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भिनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शुनश्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा वेदा भवेत्सति। ॐ सदि साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्राशूलधारणि विनागधारणि चित्रा दण्डदण्डा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपादिताचितिः सर्वमङ्गलमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपणि आनन्दा भवने भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवेनैव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनी अभरणानेकवर्णा
च पाटला पाटलापदे अट्टाम्बरपरे दाना कलमञ्जे रञ्जने अमे अविक्रमा क्रूरा सुन्दरे सरसुन्दरे वणदुर्गा च मातङ्गे मदङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मे माहेश्वरे चन्द्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुण्डा दैव वाराहे लक्ष्मे च पुरुषाकृते विमलाकर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुरमर्दने मधुकैलवहन्द्रे च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकासस्य धारणे कुमारी चैकन्या च कैशोरे युवते यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमादा बलप्रदा महोदरे मुक्तकेशे गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्वने नारायणे भद्रकाले विश्वमाया जलाधरे शिवदोते कराले च अनन्दा परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने यायलां प्रभणे नित्यं दुर्गा नाम शताशगं राजाद्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धनं धान्यं सुखं जायामयमसिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चाण्डलवेन्मोदं दशाश्वते कुमारे पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्परया भक्त्या पठे नाम शताशकं कस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे सुरवरैरपि राजानोदा सदा ज्ञाते राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलक्ष्यरङ्गं विदिना विदिज्ञ भवे सदा धारते पुरारिः भौमावास्यानि सामग्रे चन्द्र शतभिषाङ्गदे विलख्या प्रवट स्तोत्रं सभवे सम्पदा इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पसारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीदण्डे कवचस्य ब्रह्मार्षे परष्टवशङ्गः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोदमादरो तेजं देववन्द्रदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निनां जनकस्य चिदाख्यातं तन्मे रोहे पितामह ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतापकारकम् देव्यासो कवचं मुण्डं दशनश्व महामुने
प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं गन्धखण्डयते कूष्माण्डयते चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादयते षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ये सुभक्त्या सुदारूणां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेषि रक्षसे न संशयः वेदसङ्गातु चामुण्डा वाराहि महिषासनाम् समारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरे वृषारूढा कौमारे शिववाहना लक्ष्मी परमासना देवे पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवे ईश्वरे वृषवाहना ब्रह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नामशोभिताः दृश्यन्दरसमारूढा देव्या बोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं केदकं गोमरं जैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं दुशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च दारयन्तायुधानित्थं देवानां जहिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने साहि मां देवि दुष्प्रेक्ष शत्रूणामयवर्धने प्राच्या रक्ष मामेन्द्रे आनेहमग्निदेवता दक्षिणयोगवाराहि दैत्यां खड्गधारणे प्रदेचामारुणे रक्ष वायव्यामृगवाहिणे उदेचामादकौमारे येषानाशोलधारणे पूर्णं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ता वैष्णवे तथा एवं दर्शिषो रक्ष चामुण्डा शववाहना जयामे चाकृता पादो द्विजया पादो पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वेषु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योधनी रक्ष उमामोद्रे व्यवस्थिता बालाधरी ललाटे च भ्रुव रक्ष यशस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये नवघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषो मध्ये श्रोत्रोद्धारवासने कपोलोकालिका रक्ष कर्णमूलदोषाङ्करे नासिकायां सुरङ्गा च उत्तरोषे च चर्चिका अग्रे चाम्बिकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्तघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे च मुखं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च वृषभंश धनोदरे नीलग्रीवावरे कण्ठे नलिकां नलकोबरे कन्दयागर्गणे रक्ष बाहु मे वज्रधारणे हस्तयादण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च धनाशूलेश्वरे रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरे तना रक्ष महादेवे महाशोकविनाशने हृदय ललिता देवे उदरे शूलधारणे नाभौ च कामणे रक्ष गुह्यं गुहेश्वरे तथा ओदना कामिका मेढं गुदर्महिषवाहिनि कट्यां भवने रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनि गङ्गे मावरा रक्ष सर्वकामप्रदायिनि
गुल्फयोर्नारसिंहे पाराङ्कुरेषु शीलक्ष पादादस्तलभाजने गगादशाकराये च केशाच्च मोद्धकेशने रोमकोपेषु कौमेरे त्वजं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासाण्यस्ति मेघांसे पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं चामकटेश्वरे पद्मावतीपद्मकौशकभे चूडामणे तदा ज्वालामुखेन गज्जानाम वेद्या सर्वसन्दशो शुक्रं ब्रह्माणि वेदक्ष छायां छत्रेश्वरे तदा अहङ्कारं मनो बुद्धिर्रक्ष मे धर्मधारणे प्राणापानो तथा व्याणम् उदानं च समानकम् रज्जहस्ता च वेदक्ष प्राणम् कल्याणशोभना हृदयरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वमृतस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयो रक्ष वाराहि धर्मम् रक्ष वैष्णवे यशाकीर्तिम् च लक्ष्मीम् च धनम् विद्याम् च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मे भार्यां रक्ष भैरवे पन्थाणां सुपदा रक्ष मार्गं च नगरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वदा स्थिता रक्षायेनां तु शस्त्राणां वर्जितं कवचनतो तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशने फलमेकं न गच्छेतो जयेच्छ शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र गच्छते तत्र तत्साधु लाभश्च विजया सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमधुरं प्राप्स्यते भूतले पुमान् देवयो जायते मत्या सङ्ग्रामेश पराजितः ते लोके तु कोचा कवचेनाभ्युदः पुमान् निरन्तो देव्याः कवचं देवानाम विदुर्लभम् जापने प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यां सत्यान्वितः देवी कलापवेत्तस्य त्रैलोक्येश पराजितः जीवे वर्षतलं साग्रम् अवमृत्यो विवर्जितः दर्शन्ति व्यादया सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभियद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजराशेजराशैव जलजाशोपदेशिकाः सहजा सुजामाला डाकणे शाकणे तदा अन्तरिक्षा जरा घोरा डाकिण्य च महाफलाः ग्रहभूतपिशाचाश यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माणा वैरवादयः दर्शन्ति दर्शनादस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नते भवैराग्यस्य जावृद्धेः करं परं यशसा वर्धते स्वामीकीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तषधिं चण्डीं कृत्वा दो कवचं पुरा यावद्भो मण्डलं दत्ते शशलवनकाननम् आवत्तिष्ठति मेजन्यां सन्दधे पत्रपात्रगे देहान्ते परमं स्थानं यच्छुरैरविधुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदे ॐ अथर्गलस्तोत्रम् अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोरिषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मे देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय वाच
ओम जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोस्तुते जय त्वं देव चामुण्ड जय भूतादिहारिणि जय सर्वगदय देव कालरात्रे नमोस्तुते मलोके नव विद्यावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुवदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि रक्तबीजावलय देवि चण्डमुण्डा विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि शुम्भस्यैवन शुम्भस्य धूम्राक्षस्य यमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि वन्दिताङ्गे युगे देवे सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि अजन्तरूपचरित सर्वशत्रु विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि सुमध्यमध्य पूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि चण्डिके सततं जयत्वं अचियन्त्यः भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि परमोच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि सुरासुरशिरो रत्ननिर्दिष्टचन्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं करो रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि प्रचण्डतेजदर्पणे चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि चतुर्भुज चतुर्वस्त्र संसुत परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि कृष्णेन संसुदे देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि हिमाचलसुदानाथ संसुदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि वृन्दानि पदसद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड दत्तदर्प विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि देवि भक्तजनोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दशा जहि कर्णे मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि धारिणि दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठे त्वातु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशति सङ्ख्या परमा पुनोति सम्पदा ॐ अथ कीलकम् ॐ अथ कीलमन्त्रस्य शिवऋषिः अनष्टवछन्दः श्रीमा सरस्वती देवता श्रीदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै
मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाद्यधारिणे सर्वमेतद्यानीयान्मन्त्राणामभिकेलकम् स्वाभिक्षेमवाप्नादे सतुदव्याप्य तत्र सिद्ध्यन्तु चारणादेने वस्तूनि सकलानपि एतेन सुतां देवे स्वस्थमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्राणाशतं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना व्याप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्रान् विसिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमामः यत्त्वानि मन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं मे चण्डिकायातो तच्च लोकं चकारतः समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथा वर्ण्ययन्त्रणाम् स्वाभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः श्रेष्ठायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति परिजन्नादे नानदेशा प्रसीदते यत्थं रूपेण केलेन महादेवेन केलितम् योनिशीलां विधायेन नित्यं जपते संसृतम् सिद्धागणा सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः राजैव प्रतस्तस्य भयं कापि ह जायते राममित्रोवशं याते मृतमोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वा न विनश्यते तदो ज्ञादेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिकेन्द्र दर्शदय ललना जने तत्सर्वं तत्र सारेण तेन जाप्यामिदं शुभम् शरे तु जप्यमाणे स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्यमग्रामे तथा प्रारभ्यमेव ऐश्वर्यं यद्वसारेण सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुराणि परो मोक्षः स्तूयते साणकिञ्जनैः ॐ। श्रद्धालु भक्तजन, अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कण्डेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन रहती है। विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामना की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जय जय हे वैशासुरमर्दिनि राम।
Jai Jai Hey Mai Chaturmar Dhanaram
तारक धनर तारक धनर तारक सोन सुत सुरत समाज समान समाज समान समाज सुधा तर जय जय हे महिषा सुर मर दिन रंग मर दिन शरीर सुन हर कमल करुणा निर वक्त शिव हरे कमल अभी अंत में प्रश्न नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सुरेश्वरी कन्या ज्योता वाली माता ते
तेरी सदा ही जय। जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचिया ज्योता वाली माता जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस। देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को भी अपने प्रति रखना चाहिए। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाले देवी, हम पर प्रसन्न हो वो समूह की माता, आप प्रसन्न हो में विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्ही चराचर जगत की अधीश्री हो, आधार भूता जगत स्वमेका मही स्वरूप जथास्थितासी अभाम स्वरूप स्थित आप्याते कृष्ण लंग वीरे। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है, तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम वैष्णवी शक्ति नंद वीरिया विश्वस्य बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्तमेत तुम वे प्रसन्ना विमुक्ति हेतु। तुम अनंत बल समन्वय वैश्य शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने समस्त जगत को मोहित कर रखा है, तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्ता सवदेव हेदा त्रया समस्ता सगला जगत्सु त्वजय क्या पूरी तमम बजयत काते स्तुति स्तभ्य परा प्रोक्ति। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है, जगत में जितनी स्थिति है वह सब तुम्हारी ही मूर्ति है। जगदम्ब एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, सब देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर, दैत्यों पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट काल आन पड़ा है
और उस समय जब किसी विशेष देवता ने हमारी सहायता नहीं की है, तो अंत में हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। और तब माता जी ने हमारी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के हमारे सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया है, मनोकामना को पूर्ण किया है। एक बार भगवान विष्णु 10,000 वर्ष तक युद्ध करते करते थक गए और एक समतल भूमि पर वो पद्मासन लगा करके अपने धनुष के अग्रभाग पर अपना कंधा रख करके विश्राम करने लगे और थोड़ी देर में वो योग निद्रा के वशीभूत हो गए, घोर निद्रा में निमग्न हो गए। और उधर देवताओं ने यज्ञ करने का विचार किया और वो वैकुंठ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को लेने के लिए गए। वहां पर जब उनको नहीं देखा तो योग ध्यान से देखा, जहां पर उतरी भाग गए, देखा कि भगवान विष्णु धनुष के अग्रभाग पर अपने गर्दन को रखे हुए योग निद्रा में निमग्न है, तो उनको किस प्रकार जगाया जाए, यज्ञ भी करना आवश्यक है। उस समय भगवान शंकर ने कहा कि यज्ञ करना आवश्यक है, इनको कैसे, इनकी निद्रा को जो हटाया जाए। तो उस समय ब्रह्मा जी ने दीमकों की सृष्टि की और दीमकों से कहा कि आप धनुष का अग्रभाग खा जाओ, जिससे धनुष जो है डोरी से मुक्त हो जाएगा, ढीला हो जाएगा और भगवान विष्णु जाग जाएंगे। परंतु दीमकों ने कहा कि निद्रा में विघ्न डालना, कथा में विघ्न डालना, पिता जो माता पुत्र के प्रेम में विघ्न डालना, ये सभी पाप हैं, मैं कैसे खाऊंगा, मेरा इसमें कोई लाभ भी नहीं है। पता ब्रह्मा जी ने कहा कि जो होम किया जाएगा उसके जो आसपास जो बाहर होम गिर जाता है, अग्नि नहीं गिरता है, वो आपका भाग होगा, आपको मिलेगा, आप खा लो। तो उन्होंने धनुष के अग्रभाग को जैसे ही खाया तो धनुष डोरी मुक्त हो गया और एक भयंकर शब्द हुआ जिससे घोर अंधकार छा गया, समुद्र हिलने लगे। और जब अंधकार बंद जो समाप्त हुआ तो देखा देवताओं ने कि भगवान विष्णु का जो शीश है वो मुकुट तथा कीट के साथ वो है, वो अलग हो गया है, धड़ से अलग हो गया है। देवगण चिंतित हुए और विचार करने लगे कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ये भगवान शंकर जी का शीश जो धड़ से अलग हो गया है, ये हमारे कारण ही हुआ। उस समय बृहस्पति ने देवताओं को ये परामर्श दिया कि इस समय बुद्धि द्वारा काम लेना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ और जो भाग्य है ये दोनों समान वाले वाले हैं, और पुरुषार्थ करना चाहिए फिर वो भाग्य से सिद्ध होता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा भी शीश शंकर जी ने काट दिया था और वो देव योग से ऐसा होता है, इसलिए हमको उन्हीं दुर्गा माता जी की आराधना करनी चाहिए। स्वयं ब्रह्मा जी ने जो वेदों को आज्ञा दी और वो उनकी स्तुति करने गए। हे माँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संपन्न करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन संहार करती है। क्या कारण है कि भगवान विष्णु का शीश है वो धड़ से अलग हो गया है और वो कहाँ गया है? क्या आप अपनी जो अंश से जो उत्पन्न हुई लक्ष्मी है उसको वैदेव देखा चाहते हैं उसका? तब माता जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि ये भगवान विष्णु का पूर्वजन का श्राप था, इनका शीश जो लवण सागर में गिर गया है, और आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, इनका शीश जुट जाएगा। परंतु प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई कारण होता है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी का सुंदर मुख देख करके हंसने लगे और लक्ष्मी सोचने लगी कि क्या कारण है मेरे मुख को देख करके भगवान विष्णु हंस रहे हैं, क्या इन्होंने कोई और सौत ला दी है, और सौत का जो दुख है वो बैरेब्य से ही बढ़कर होता है। इस प्रकार लक्ष्मी के शरीर में जो तामसी शक्ति आ गई और उन्होंने धीरे से बोल दिया कि आपका शीश धड़ से अलग हो जाए, एक कारण ये है। और दूसरा ये है कि एक हयग्रीव नाम का दैत्य था, उसने मेरी आराधना की और जब वरदान मांगा उसने कि मेरी मृत्यु ना हो, तब मैंने बताया कि याद से मृत्यु और ध्रुव जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है, इसलिए कोई और वर मांग लो। तब हयग्रीव ने जो देवताओं को सता रहा था, जिसने वेद चुरा लिए थे, ये कहा था कि मेरी मृत्यु हयग्रीव द्वारा ही हो। अब जो भगवान विष्णु हयग्रीव का रूप धारण करेंगे, अर्थात घोड़े का शीश काट करके इनके शीश के साथ लगाया जाएगा, और जो भगवान विष्णु जो हयग्रीव का रूप धारण करेंगे ये उस हयग्रीव दैत्य का बात करेंगे। वहां देखते देखते ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी और विश्वकर्मा एक सुंदर घोड़े का शीश काट करके भगवान विष्णु के दर के साथ जोड़ा, तब भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए और उन्होंने उस दैत्य हयग्रीव जो देवताओं को सुधारा था उसका वध किया और देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की।
कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं देवता या गौर शंकर पड़ जाते हैं, उस समय वे भी इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुनी के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्तियां जड़ मूल से एक हैं, ऊपर आपके तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति जी महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान शिव रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्चे रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचिया जोता बाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा बाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेटों में योग सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से अपनी मधुर भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी। जयकारा शेरा वाली लाल बोल सच्चे दरबार की जय। दूर से चल के आया दूर से चल के आया तेरे दरबार मां तेरे दरबार मां दास खड़ा तेरे दर्शन को दूर से चल के चल के आया तेरे दरबार माँ तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को मैया पहाड़ों वाली माँ मेरी शेरों वाली तेरा दरबार माँ प्यारा दरबार तेरे दर्शन को
पास खड़ा तेरे दर्शन को लाखों तारे हैं जानो जैसे भक्त तुम लाखों तारे हैं माँ जानो जैसे माँ भगत तुम लाखों तारे हैं जानो जैसे माँ भक्त तुम लाखों तारे हैं मधु कैटब जैसे राक्षस मैया तूने मारे मधु कैटब जैसे राक्षस मैया तूने मारे हैं ऊंचे पर्वत पे मैया ऊंचे पर्वत पे मैया तेरा दरबार माँ सुंदर दरबार माँ दास गढ़ा तेरे दर्शन को पर्वत पे मैया पर्वत पे मैया तेरा दरबार माँ प्यारा दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को Yeah.
तुझे अजमाने आया था अकबर अहंकारी तुझे अजमाने आया था अकबर अहंकारी माँ तुझे अजमाने आया था अकबर अहंकारी तुझे अजमाने आया था तेरी जोत बुझाने को लोहे का तवा चढ़ाया था तेरी जोत बुझाने को लोहे मेरे मथे से लिख देना
रात दिन मैं लिख लिख दासी तैनू चिट्ठियां पाइया, रात दिन मैं लिख लिख दासी तैनू चिट्ठियां पाइया। हुण ते आ जा ना कर अड़िया कानू पाइया जुदाइया, हुण ते आ जा ना कर अड़िया कानू पाइया जुदाइया। समझावे केड़ा आके मेरी मैया कमली नू समझावे, ओ तेरे बाजों अखियां नू हुण कुछ भी नजर ना आवे, तेरे बाजों अखियां नू हुण कुछ भी नजर ना आवे। सानू चरनी लगा लै दासिए, सानू चरनी सवारे उस भगत दे तू महारानी
एक ध्यान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशफल। जय कर शिरोमणि बोल सच्चे दरबार की। साची जोतों वाली माता पाया शेरा वाली है।
शुभ संबद 2076 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास के आज 14 प्रविष्ट है। कृष्ण पक्ष आज अष्टमी तिथि है। शनिवार तदनुसार 27 अप्रैल 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज विशेषतया अष्टमी के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन की ही माता की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरिभूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभो भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव क्षीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए
उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा श्री रामवाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तजन उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर आरती है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय I'm
राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी। गल मेरे बोलो जय माता दी। आवे बेला जय माता दी। काला बेला जय माता दी। आरती बेला जय माता दी। आप बुलानी जय माता दी। कष्ट बुलानी जय माता दी। मेरा करनी जय माता दी। झोलिया भरनी जय माता दी। घरे खजानी जय माता दी। सोला आने मां गोदा भरनी जय माता दी। जय माता दी। लाल देवा जय माता दी। पानी चुनिया जय माता दी। मुट्ठी बोलो जय माता दी। हाथी बोलो जय माता दी। वाली शक्ति देनी लक्ष्मी मैया रंजित वाली हरे खजाने सरस्वती हंस वाली पूजा देने बुद्धि देनी भक्ति देनी राजा कंबे राजा कंबे बच्चिया जोता वाली माता शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखम। देहि मे परमं सुखम। रूपं देहि जयं देहि। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि दिशो जहि। यशो देहि दिशो जहि। सर्वमंगल मंगले। सर्वमंगल मंगले। शिवे सर्वार्थ सारिके। शिवे सर्वार्थ सारिके। शरण्ये त्र्यंबके के गौरी। शरणे त्र्यंबके गौरी। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना। द्वितीय राजगणे। तृतीय सिमराशारदा। मेरे कार्य करो अमेश जय माँ। आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण। मैयाट पहर तो सनगणे। देव चरणादा ज्ञान जय Thank you.
Thank you.
दो साथ में